अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू WGM फॉरेक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम करेंगे गोल्ड की फोरकास्ट और गोल्ड क्या कर रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे, मुआयना करेंगे, गोल्ड का यूँ समझे जायजा लेंगे। सबसे पहले एनालाइज किए जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के। आप डे वन से शुरू करें, थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट लग जाए वो लगने दें, लेकिन 20 मिनट के बाद आपको जो एक ट्रेड मिलेगी वो आपके लिए बेहतर होगी। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास सबसे पहले हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन। जब हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई बड़े टाइम फ्रेम में, और D1 का टाइम फ्रेम है, D1 में आप खुद देख सकते हैं हमारे पास डाउन ट्रेंड है। आप खुद देखें, ये हमारे पास एक हाई है, उसके बाद एक हाई ये हो गया हमारे पास, उसके बाद जो दूसरा हाई हमारे पास है ये है, ये लोअर हाई बनते जा रहे हैं, तीसरा हाई हमारे पास ये है, ठीक हो गया। अभी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, जब ये हाई ब्रेक करेगा तब नेक्स्ट टारगेट ये हाई होगा 1990 का, डायरेक्ट 90 से कम नहीं गिरेगा, ठीक हो गया। और हमारे पास जो सपोर्ट है ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक हो गया। ये है हमारा डेली TF के मुताबिक एनालिसिस। अभी भी गोल्ड को खुद देखें आप, ऊपर से रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, अपना जो एक एरिया है उससे रिजेक्ट हुआ है मार्केट ने, एक कैंडल नीचे दी है। अगर ये अप जा रही है तो मे बी यही कैंडल डिसाइड करेगी, अगर ये डेली TF में रिजेक्शन ऊपर से देती है तो नेक्स्ट जो टारगेट गोल्ड का होगा, पहला टारगेट 1997 का होगा, दूसरा टारगेट फिर 1986 होगा। यही जो सपोर्ट है यही टारगेट होगा इसका, यानी कि 1885-86 तक ये आ सकता है, क्योंकि ऊपर से एक रिजेक्शन मिल चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं छोटे TF में, H4 में। ऐसे छोटे TF में आप चलते जाए, ये मैंने सर्कल लगाया उधर डेली में, आप इसे H4 में ये काउंट कर लें और इस एरो को यहाँ पे लगा दें। जाहिर है ये जब बाहर निकलेगा तो मार्केट निकलेगी बाहर की तरफ, और रिजेक्शन मिली तो फिर ये नीचे गिरेगा। क्यों रिजेक्शन मिलेगी? क्योंकि ये जो लास्ट हमारे पास कैंडल है ये इंगल्फिंग कैंडल है, आप खुद देख सकते हो इंगल्फिंग कैंडल है, ये आएगा इसी इंगल्फिंग कैंडल के आर्डर ब्लॉक पे, हो सकता है कि रिजेक्शन ले फिर नीचे गिर जाएगा, और टारगेट इसका वही होगा पहला 1895, फिर 1885, दो टारगेट इसके। बाकी कोई मुझे ऐसा एरिया नहीं नजर आ रहा जिसको मैं कहूँ कि भाई ये बाय है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे थोड़ा सा एरिया लगा के कहते हैं ये ब्रेक होगा तो फिर मार्केट यहाँ पे जाएगी 1871 पे, तो जब तक मार्केट 1850 ब्रेक नहीं करती तब तक 71 तक नहीं जाएगी, ठीक हो गया, यानी कि 1858। तो आप ये खुद देख रहे हैं 1858 ब्रेक हुआ तो फिर वही उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1885 का होगा, ठीक है। डेली TF के मुताबिक गोल्ड जो है वो अभी भी सेलिंग में, कोई बाय की पोजीशन उसने नहीं बनाई, ठीक है। ये हमारे पास चैनल है, ये डेली का है, और डेली के मुताबिक H4 वर्क करता है, H4 के मुताबिक छोटे टाइम फ्रेम वर्क करते हैं। अब मैं अगर इसे जूम आउट करूं फुल, फिर देखते हैं क्या स्ट्रक्चर हमें शो होता है। यहाँ पे भी हमारे पास सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो नहीं है, खैर डिसेंडिंग है, एक पैटर्न है। उसके बाद ये सपोर्ट आप देखें, और ऊपर वाले रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, वो एक तरह से वीक हो चुकी है, एक दो पॉइंट ये टच हुए, दो ये हुए, दो ये हो रहे हैं, मे भी ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो चांसेस नहीं है, बहुत कम है, इस H4 की इंगल्फिंग की वजह से। तो गोल्ड वापस इस एरिया पे गिर सकता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट पे गिरा तो सपोर्ट पे भी
सपोर्ट भी वीक हो सकती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब 3 में से ये देखिए कितना खर्च बना हुआ है, बहुत सी कैंडल्स हैं इसी जगह पे टकराया है। अब हमें एक दीवार को बार बार धक्का दे तो वो नीचे टूटने की कोशिश करती है। तो आज मैं कहूँगा कि भाई डेली के मुताबिक चलें, डेली TF के मुताबिक, छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक ना चलें। स्काल्पिंग करनी है तो डेली में देखिए, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले लीजिएगा। ठीक है, अभी देखें, अभी आप एक ये मार्केट जो है ये बहुत ऊपर जा रही है। हमारे पास लास्ट 2 जी कैंडल थी जो कि रिजेक्शन, जिसने रिजेक्शन दी थी, फिर मार्केट 31 से नीचे गिरी थी, 14 तक आई थी। ठीक है, ओवरऑल ये गोल्ड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है भाई। देखें, अब जब तक ये एरिया इनमें से ब्रेक नहीं होता कोई, तब तक ना हम बाय करेंगे ना सेल। आज मैं डबल डायरेक्शन का नहीं कहूंगा फिर भी, लेकिन सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है कि डबल सोचना पड़ेगा। और इस तरह के भाई, अगर ये एरिया ब्रेक होता है, डबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, 1 पॉइंट ये टच हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये इसके साथ, चौथा ये, पांचवा ये, अगर ये ऊपर जा रही है, छठा पॉइंट टच हो जाएगा। तो मिसाल में वही दूंगा, 6 बंदे एक दीवार को बार बार धक्का दें तो वो दीवार टूटने का डर होता है, टूटने का दीवार का खदशा होता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये रिजेक्ट होके वापस नीचे आए तो 1 पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा आप ये देखिए कैंडल्स ने कितना टकराया, तो ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 पॉइंट ये भी है, तो सपोर्ट भी वीक हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एरिया ब्रेक हो सकता है। ठीक हो गया, तो मैं आज यही कहूंगा कि वेट करें, अगर ऊपर से रिजेक्शन मिले देन आप सेल ले सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर आप बाय ले सकते हैं। तो जहां तक मेरा तथ्य है, मेरा क्या मानना है, जो मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है, तो गोल्ड को डेली के मुताबिक इस डोजी से ऊपर रखनी चाहिए एंट्री, और एंट्री 37 से एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 50 का, क्योंकि डेली का TF है, और टीपी हमारा ये सपोर्ट का हो जाएगा जो कि लेवल 1886 का है। ठीक हो गया, और ये थी हमारी आज की फोरकास्ट गोल्ड की। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक ग्रुप है WUM Forex Academy का, उसे भी ज्वाइन करें। और मैं आपको बताता चलूँ, GTC ब्रोकर है, आप अगर सर्च करें GTC, ये ब्रोकर है, ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देगा। मैंने भी इसके जरिए डिपॉजिट किया है। रात को मैंने एक्सनेस में से अपनी सारी रकम निकाल के GTC में डिपॉजिट की है, और बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। इसमें जो लोकल बैंक डिपॉजिट है आपको गूगल रेट पे मिलेगा, हालांकि एक्सनेस में गूगल रेट से भी 10-12 रुपए ज़्यादा होती है प्राइस, तो ये आपको ज़्यादा प्राइस नहीं देगा। ठीक है, ये आपको गूगल रेट पे ही लगाएगा, और 10 मिनट के अंदर लोकल बैंक डिपॉजिट हो गए। GTC की सर्विस इतनी बेस्ट है, आप ये चेक कर सकते हैं। आप ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ IB के लिए काम करूं, ये देखें मेरा भी खुद का डिपॉजिट है $693। ठीक है, और 50% डिपॉजिट बोनस दे रहा है। अकाउंट बनाना है तो आपको लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। लोकल बैंक डिपॉजिट करना है तो उसकी मैं वीडियो आज बनाऊंगा, लोकल बैंक डिपॉजिट किस तरह से करना है, वैसे मैं इस वीडियो में बता दूँ आपको। एहतियातन फंड्स में जाएंगे, फंड में जाने के बाद आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, लोकल बैंक डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाई आप जाएंगे ये FIAT में जाके, इधर आप लिखेंगे कि भाई डिपॉजिट अमाउंट कितनी डिपॉजिट करनी है, कम से कम आप लिखेंगे कि भाई मैंने $200 डिपॉजिट करना है, तो आपको 200 ही डिपॉजिट करेंगे, कोई कटौती नहीं करेंगे ये। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक और पेज पे लेके जाएगा। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है GTC, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इसका डिपॉजिट मेथड। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक आ जाते हैं, वीडियो पूरी देखनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक्सेस एक बैंक की डिटेल देता है, हम अगर उस बैंक में हमारे पैसे नहीं जा रहे तो हम अगले दिन का वेट करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है। ये भी एक्सेस से कम नहीं है, एक्सेस में 0% मार्जिन स्टॉप आउट लेवल है, इसमें भी 0% मार्जिन स्टॉप आउट लेवल है। और स्टॉप आउट लेवल का काम क्या होता है, काम ये होता है कि भाई जब तक आपका बैलेंस 0 नहीं होता तब तक कोई ऑटो ट्रेडिंग ये बंद ना करे। अब देखें, इस पे क्लिक करेंगे आप, फिर
पेमेंट पे, पे विद पे फॉर पीपी। उसके बाद ये यहाँ पे अपनी डिटेल देंगे, नाम, ईमेल, वो जो कि जिस ईमेल पे आप अकाउंट बनाए, करेंसी मैंने PKR डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 1 USD इज इक्वल टू 289 का आपको $1 पड़ेगा। हालांकि यहीं पे एक्सचेंज पे जाएं, वह $1 आपको 305 307 रुपये का पड़ेगा, ठीक हो गया। $200 मैंने लिखा है, तो अमाउंट यहाँ पे ऑटो आपको शो हो गई है कि आपको 57,839 रुपये डिपॉजिट करने हैं। अगर इससे ऊपर डिपॉजिट करनी है वो भी ऑप्शन है, आप बेशक पीछे ना जाए आगे भी ऑप्शन है कि इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट करना चाहो तो। और 50% आपको बोनस भी मिलेगा, $50 डिपॉजिट करेंगे तो $50 बोनस मिलेगा, वो भी ट्रेडेबल। आप देखें ओपनिंग का सिक्योर मेथड, ये सिक्योर मेथड ओपन करने का कह रहा है, ठीक है। और बेहतरीन सर्विस है, मैं यही कहूंगा, आप आए इधर डिपॉजिट करें, बेहतरीन ब्रोकर है। मैंने अपना डिपॉजिट किया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं अपना MT4, ये मेरा GTC का MT4 है। बाकी किसी ने गेम खेल लिया तो मैक्सिमम खेल ले ये इसकी मुफ्त में प्रमोशन हो गई, बेहतरीन किया मैं। अच्छा, पेमेंट गेटवे अभी लोड हो रहा है, लोकल बैंक डिपॉजिट में ई पैसा जैस कैश भी आ जाता है। ये देखें ये GTC का ब्रोकर है, अभी मैंने इसे अपडेट नहीं किया ना, इस पे अभी फिलहाल ट्रेड लगाई है, इंशाल्लाह अभी लगाऊंगा इस फोरकास्ट के बाद। ये देखें $693 मेरे पास ठहरे हैं, मेरा लाइव अकाउंट है। उसके बाद मैं अभी चलता हूँ अपने गेटवे पे, पेमेंट गेटवे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या क्या बैंक है, इसमें आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारे पास हो गया एनालिसिस गोल्ड के, इसका मैंने स्क्रीनशॉट बनाना है, स्क्रीनशॉट मैं बना लूँ। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि गोल्ड डेली ETF, देखिए प्राइस एक्शन हो चाहे SMC हो या ICT हो, कोई किसी से कम नहीं है मेथड, ठीक है। सब मांगते हैं सबर, ICT ये नहीं है कि 5 मिनट में आपको एंट्री मिल जाएगी, वो भी कहते हैं कि सबर करो। SMC वाले भी कहते हैं आपको सबर करो, प्राइस एक्शन वाले भी कहते हैं कि सबर करो, वेट करो, 30 तक पहुंच दे दो, 32 तक पहुंच दे दो, फिर जाके आप एंट्री लो, ठीक हो गया। तो वो भी कहते हैं कि सबर करो, फिर जाके कोई ना कोई एंट्री लें आप, ठीक है। हर मेथड जो है वो सबर मांगता है, बाकी जहां तक मेरा मानना है मेथड सारे सेम है, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं। हम कहते हैं ब्रेकआउट, वो कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर BOS, हम कहते हैं सप्लाई या डिमांड, वो छोटे टाइम फ्रेम में उसे रिफाइन करके कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो नाम चेंज कर दिए गए हैं, जैसे बच्चों के नाम रखते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट भी का भी मेथड मेरे ख्याल में तो, यानी कि वेबसाइट का इशू है या नहीं, वेबसाइट का इशू नहीं है, मेरे पास नेट स्लो है, मेरा 2 MB वाला पैकेज है, ज़्यादा पैकेज बड़ा होता है तो फिर ये जल्दी लोड हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई है पेमेंट की, वो मैं आपको जल्द अज जल्द वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, किस तरह से हम लोकल बैंक के थ्रू GTC में डिपॉजिट करेंगे। बाकी अगर डिपॉजिट करना हुआ आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो वो ट्रांसफर कर दूंगा जिसमें से लोकल बैंक डिपॉजिट बताया जाता है किस तरह से करना है, व्हाट्सएप पे ही ट्रांसफर करूंगा। बाकी ब्रॉडकास्ट ग्रुप ये है जहाँ पे मैं ये देखिए ये सिग्नल देता हूँ, ये मेरा जो सिग्नल है ये हमारे पास है M15 के मुताबिक, टाइम फ्रेम के मुताबिक। यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग सिग्नल दिया कि स्टॉप लॉस आपने 1930 लिखा हुआ है लेकिन आप 32 रख लें, 28 से लेकर 30 का एरिया सेल का बन रहा है, और यहाँ से सेल गिरेगा 1919 तक या 1915 तक, ये हमारे पास टारगेट होगा, ये M15 के मुताबिक एनालिसिस है गोल्ड के। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एनालिसिस करके कि गोल्ड डेली, ठीक है, गोल्ड डेली, EF, ठीक है। लिख के खैर मैं ये यहाँ पे नहीं लिखता, मैं ये चीज लिखूंगा अपने प्रीमियम ग्रुप में जो कि सिर्फ और सिर्फ GTC ब्रोकर के लिए, हर सिग्नल जो है वो सिर्फ मैं ब्रॉडकास्ट में नहीं देता। काफी सिग्नल ऐसे हैं
जो कि मेरे प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। प्रीमियम की कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीटीसी में मेरे अंडर अकाउंट होना चाहिए। और मिलके हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, कोई चीज उनको पसंद ना आई तो फिर वो फिर मुझे इनबॉक्स कर देते हैं कि भाई ये आपके एनालिसिस गलत हैं, इस तरह से नहीं है तो उस तरह से। आप ये भी नहीं है कि मैं 100% ठीक हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, कुछ फिर वो मुझे बता देते हैं। मेरे मेंबर मिलजुल के ट्रेड करते हैं और हम रिस्क से, नुकसान से बचे रहते हैं। तो ये मेरा नोवा का फंडेड अकाउंट है, देखें सबूत यही है कि भाई हम मिलजुल के ट्रेड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं 194 मैंने 5 दिन में प्रॉफिट बनाया, वो भी 100K के ऊपर, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता। ठीक है, मेरी आप लॉट साइज चेक करें तो लॉट साइज बहुत ही छोटी है। मैं ऑल हिस्ट्री पे क्लिक करूँ, 0.20 से मैं आगे गया ही नहीं हूँ लॉट साइज। ये आप देखें, एसएल में यहाँ पे नहीं लगा रहा। आप सोचते होंगे क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरी 20 की लॉट साइज है, एक तो बहुत छोटी, वो भी 100K के अकाउंट पे। ड्रा डाउन 4% है, 4,000 डॉलर लॉस हुआ तो फिर अकाउंट वॉश होगा। और मुझे, मैं एंट्री वाल लेता हूँ जहाँ मेरी बनती है, और मैं करता हूँ स्कैल्पिंग, क्योंकि मेरा डेली टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 40 डॉलर। 40 डॉलर आपको पता है, 8 घंटे बैठ रहे हो तो 20 पिप मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। 10 पिप 20 सेंट की लॉट पे 20 पिप 20 डॉलर बनता है। 20 पिप मिले मिले तो फिर वो आपके 40 डॉलर बनेंगे। ठीक है, इस तरह से सीन है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक ग्रुप है WGM फॉरेक्स एकेडमी के नाम का, वो भी ज्वाइन करें। फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, कोई क्लास लेना चाहे तो अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से क्लास शुरू है। चाहे 2 स्टूडेंट आ जाए, 10 आ जाए, मैं इंशाल्लाह उनको क्लास दूंगा। ठीक है, तो क्लास किस तरह से लेनी है, मेथड क्या है, वो भी वीडियो आपको इस वीडियो की लास्ट में, एंड में ऊपर शो हो जाएगी कि भाई आपने किस तरह से क्लास लेनी है। वो वीडियो देखेंगे, एडमिशन लेंगे, एडमिशन का तरीका कार मैंने उसी वीडियो में बताया है। ठीक है, बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह हम